अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपनी फेसबुक का नेम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल आपने अपने फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 3 लाइन मिल जाएंगी, तो आपने सिंपल यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ से नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको नीचे यहाँ पर फिर से लिखा हुआ मिलेगा सेटिंग, तो आपने फिर से यहाँ पर क्लिक करना है सेटिंग के ऑप्शन पर। और फिर फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में यहाँ पर अकाउंट में लिखा हुआ मिलेगा पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। और जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा नेम, सिंपल आपने अपने नेम पर यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पर नीचे लास्ट नेम शो हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है फर्स्ट में मोहम्मद, तो यहाँ से इसे मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं अभी अली, और नीचे यहाँ पर लास्ट नेम में रजा लिखा हुआ है उसे भी कट कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अहमद। तो नेम लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर रिव्यू चेंज का, तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको 2 नेम लिखे हुए मिलेंगे, एक आपका सीधा नेम होगा और एक आपका उल्टा नेम होगा। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपने ध्यान से अपने नेम को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद अभी आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि दोबारा नेम जो है वो आपका 60 दिन के बाद चेंज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपने अपने स्पेलिंग और नेम को सही से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ पर पासवर्ड देना होगा अपनी आईडी का। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड देने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा सेव चेंज, तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करना है और जो ही फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी का नेम चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली मरतबा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।